स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो सभी रेल एजेंट और सभी रेल यात्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस समय सीजन चालू हो चुका है और इस समय टिकट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तत्काल टिकट की, रेट बहुत ज्यादा ज्यादा लग रहे हैं फिर भी आपको कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड कुछ न्यूज मेरे पास आई है, वो वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ। टिकटों की कालाबाजारी पे IRCTC और RPF की नजर है। जी आपने आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, IRCTC डेली बेस पे लाखों आईडी ब्लॉक कर रहा है। जी आपने IRCTC डेली बेस पे लाखों यूजर आईडी ब्लॉक कर रहा है। ऐसी यूजर आईडी जो उसको अननोन लग रहा है, या फिर ऐसी यूजर आईडी जिससे बार बार टिकटें बुक हो रही है, या फिर ऐसी यूजर आईडी जो काफी समय से यूज नहीं हुई, या फिर उसमें सही मेल और सही मोबाइल नंबर और सही पते का विवरण नहीं किया गया है, वो आईडी ब्लॉक हो रही है। और फ्रेंड कुछ जो आइडिया सब कुछ ठीक ठाक है वो भी ब्लॉक हो रही है। इसलिए सभी रेल यात्रियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी खुद की कोई पर्सनल आईडी है और उस पर अगर आपने ट्रेन टिकट बुक कर रखा हुआ है और उस पर जर्नी करना बाकी हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका एक प्रिंट निकाल के रखिए। कोई भरोसा नहीं है कि आपकी आईडी कब ब्लॉक हो जाए, उसको रिकवर कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंट एक निकाल के रखिए और आईडी हमेशा दोस्तों हमेशा मेल वगैरह पासपोर्ट से प्रोटेक्टेड रखें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं गर्मियों को छुट्टियों को देखते हुए ट्रेनों की यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। ज्यादातर ट्रेनों में लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल रही है। इसका फायदा उठाकर टिकट के दलाल एक्टिव हो गए हैं, जिस पर शिकंजना कसने के लिए IRCTC और RPF की टीम एक्शन मोड पे आ गई है। जी आपने आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो बहुत सारी आईडिया ब्लॉक हो रही है उनके बारे में बताया गया है। बताया जा रहा है कि इन आईडियो के जरिए नियम से अधिक टिकट की बुकिंग कर कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए दिल्ली मंडल की RPF ने कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। उसके बाद दोस्तों IRCTC के मुताबिक टिकट की दलाली को रोकने के लिए इंटरनेट पर टिकट एंट्री फ्रॉड टीम का गठन किया गया है। समझ लीजिए फ्रेंड, IRCTC पे जो टिकट दलाली हो रही है उसको रोकने के लिए एक नई टीम बनाई गई है, एंट्री फ्रॉड टीम। तत्काल टिकट बुकिंग पर रोजाना निगरानी करके संदिग्ध लॉगिन के IRCTC को नजर रखेगी और इसके साथ तत्काल अवधि के दौरान सबसे पहले सेकंड में टिकट बुक करने वाले यूजर्स पर नजर रखेगी। मतलब दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान सबसे फास्ट और सबसे कम समय में जिस आईडी से ट्रेन टिकट बुक होता है उस पर नजर रखा जाएगा और फ्रेंड उसके थ्रू फिर जो एजेंट निकाला है उसके पास रेलवे पहुंचेगी। साथ ही उनका भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पर्सनल यूजर आईडी के जरिए एक महीने में तत्काल बुकिंग के लिए मात्र 6 टिकट करने के नियम है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला है कि RPF ने अधिकारियों के अलग अलग रेलवे स्टेशन की टीमें बनाई हैं, जिसने स्टेशन के आसपास संदिग्ध लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है, जो जो लोग पकड़ाए हैं। उनका कहना है कि 15 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म हो रहा है। यहाँ जो रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट है उनको ट्रेन टिकट नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पे ये भी उनका कहना है कि जो रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी इलीगल तरीके से टिकट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि लीगल तरीके से उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। RPF के एक अधिकारी ने बताया कि टिकटों की कालाबाजारी करने वाले अलग अलग नाम से यूजर आईडी बनाई है, यह खेल तत्काल टिकट में हो रहा है। दरअसल नियम यह है कि IRCTC के जो एजेंट के लिए तत्काल टिकट विंडो 11-15 बजे खुलती है, जबकि एक पर्सनल आईडी के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग 11 बजे ही शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाकर दलाल टिकटों की कालाबाजारी करते हैं। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए अब विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड यही आप देख रहे हैं, सीजन का समय चालू हो गया है और फ्रेंड ट्रेन टिकट मिलना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और बहुत सारी आइडिया ब्लॉक हो रही हैं। तो सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और जो हमारे सभी एजेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले से टिकट वगैरह बुक करके रखा है तो उसका प्रिंट दे दें, और या फिर अगर आप कस्टमर हैं, अगर आपके पास कोई टिकट वगैरह है आपकी खुद की आईडी से आपने बनाया है, तो उसका प्रिंट आप मतलब निकाल के रख लें, ताकि आपकी आईडी ब्लॉक हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे एजेंट जो टिकट बुकिंग वगैरह का काम करते हैं थोड़ा सावधान रहें, रेलवे और RPF की आपके ऊपर नज़र है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लीगल तरीके से काम करिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर इस सब मैटर में अगर आप पढ़ते हैं फंसते हैं तो रेलवे एक्ट 143 आपके ऊपर लगता है। जी हाँ फ्रेंड, रेलवे का 143 का धारा लगता है, जिसमें जुर्माना भी लगता है
और दोस्तों इसमें जेल भी हो सकता है, तो ये सारे रूल्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला था, आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सूरत ब्लॉग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।